हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, टीवाई बीकॉम सेम 5 का रिजल्ट आउट हो गया है। अभी ये सेमेस्टर 5 के रिजल्ट को आपको कैसे चेक करना है और कौन से एग्जाम का रिजल्ट है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो आप पूरे वीडियो को पहले फॉलो कर लो, उसके बाद चेक करने जाना, क्योंकि ये आपके 12th के रिजल्ट के जैसा नहीं आता कि आप रोल नंबर डाल दोगे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो पहले आपको समझना जरूरी है कि रिजल्ट आया तो उसको रिजल्ट को चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेबसाइट आप लोग चाहिए तो नोट डाउन कर लेना, MUM result.in, ठीक है। आपको इसको जाके सर्च करना है। जैसे गूगल में आप मुंबई रिजल्ट भी लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देने का। तो देखो यहां पर लिख के आएगा ऑनलाइन रिजल्ट, ठीक है। अभी इसके बारे में यहां पर देखो, आपको एक फर्स्ट यहां पे एक कुछ ऐसे अपडेट आएगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, हाँ स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ये सब PDF जो है भेज दूंगा। दूसरी चीज और स्टूडेंट, कैसे चेक करना है, इसके अंदर क्या क्या दिया हो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर मैच करना कि आपका रोल नंबर किसके अंदर आता है, मतलब ये कौन से PDF के अंदर आपका कवर होता है रोल नंबर, जो कि रिजल्ट रात को ही डिक्लेयर हो गया, मतलब 14 तारीख को रात को डिक्लेयर हुआ। तो अभी आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर प्रोग्राम कोड दिया हुआ है, मतलब ये रेगुलर स्टूडेंट के ही क्या ये आपके रिजल्ट है। और स्टूडेंट सेम 6 के लिए यदि आप लोग को क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9820827674 पे, क्योंकि सेम 6 के भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अभी यहां पर मैं आपको एक रिजल्ट चेक करके बताता हूं, पहले हम लोग इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहां पर ये PDF डाउनलोड हो गया, ठीक है। अभी ये PDF डाउनलोड हो गया तो यहां पर आपको देखो लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम का ये रिजल्ट है। तो यहां पे दिया हुआ है कि TYBCOM सेम 5 एग्जामिनेशन हेल्ड इन अक्टूबर 2023, जो अक्टूबर में एग्जाम हुए थे उसके ही रिजल्ट है। यहां पर आपको कैसे पता चलेगा फेल हो कि पास हो, आपको अपने मोबाइल में PDF में फाइंड करना, ठीक है। या तो आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल के सर्च करना, आप लोग इसमें रोल नंबर डाल के सर्च करोगे तो भी चलेगा, PNR नंबर डाल के सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। यदि आपको इसके थ्रू नहीं तो नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। तो आपको फाइनली जाके चेक करना है कि ये जो फाइनल रिजल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रिजल्ट में आपको फेल लिखा हुआ है या यहाँ पर रिजल्ट आपको पास लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो यदि P लिखा रहेगा तो पास हो, F लिखा है तो फेल रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और भी आपके रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी अपडेट है मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पर अपडेट करते रहूंगा।